आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अजीत जोगी की अंतिम यात्रा रायपुर में उनके घर से निकल गई है, गोरेला में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब अजीत जोगी अंतिम यात्रा पर निकल गए हैं। आपको बता दें कि उनके गांव में जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और खास करके सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा जा रहा है। उनके परिवार की तरफ से भी ट्वीट करके ये अपील की गई थी कि जो भी लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं वो खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और आज नेता और मंत्री का जो आने का सिलसिला है वो काफी कम है, क्योंकि कल ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या फिर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हो कल ही उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। आज के मुकाबले कल काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही थी, जिसके बाद अब अजीत जोगी अंतिम दर्शन के लिए निकल गए हैं और चारों तरफ छत्तीसगढ़ में शोक की लहर ही दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि अजीत जोगी मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री होने के साथ साथ इससे पहले प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके थे और लोगों के बीच उनकी काफी अच्छी पकड़ थी। तो लोग नम आंखों से तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंतिम यात्रा के लिए अजीत जोगी निकल पड़े हैं और हर ओर शोक की लहर ही दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि उनके ग्राम जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और साथ ही कई दिग्गज नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में सुप्रिया पांडे जुड़ गई है। सुप्रिया, मातम हर और पसरा हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही एक जो बड़ी चुनौती है वो है सोशल डिस्टेंसिंग की, उसका भी पालन करना है और साथ ही हर कोई ये चाहता है कि अंतिम दर्शन अजीत जोगी के कर पाए। किस तरह के हालात देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का जाना छत्तीसगढ़ के लिए एक अपूर्णीय क्षति जो है वो मानी जा रही है। उनके सम्मान में 3 दिनों तक जो है राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान शासकीय कार्यालय में जो ध्वज है वो आधे झुके रहेंगे, साथ ही किसी तरह के मनोरंजन के जो कार्यक्रम है वो नहीं किए जाएंगे। अभी कुछ ही देर पहले उनके जो सागौन बंगला है रायपुर में, वहाँ से उनकी जो पार्थिव शरीर है उनका जो काफिला है वो यहाँ से निकला है और गोरेला के लिए रवाना हुए हैं। उनके साथ ही जो पुलिस के कई जवान भी जो है वो गोरेला के लिए रवाना हुए हैं। यहाँ पर पुलिस से भरी जो एक पूरी बस है वो यहाँ पर गोरेला के लिए रवाना हुई है और साथ ही अजीत जोगी की अंतिम यात्रा में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। लोग जो है नम आंखों से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को जो है श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे थे, क्योंकि चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल हो, सभी जो है उनकी राजनीतिक जो करियर है उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जो अजीत जोगी कलेक्टर भी थे और साथ ही वो IPS भी थे। उसके बाद फिर उन्होंने जो राजनीति का जो पद है वो संभाला था और छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो बने हुए थे छत्तीसगढ़ के। तो इस तरह से तमाम जो मामले हैं वो अजीत जोगी जो है वो थे। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सबसे पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने 14 वर्ष तक कलेक्टर का पदभार संभाला था। उसके पहले वो 1.5 वर्ष तक जो है IPS भी थे। तो इस तरह से जो उनको काफी इंटेलिजेंट भी मानते हैं, राजनीतिक में काफी जो उनकी पकड़ है वो काफी थी। काफी नेता जो है उनके विचारधाराओं की तारीफ करते नहीं थकते थे, तो इस तरह से जो उनका नेचर था वो था। और आपको बताना चाहेंगे कि अजीत जोगी अभी बीते कुछ दिनों पहले ही आत्मकथा लिख रहे थे और उनकी आत्मकथा जो है वो 450 पन्ने से अधिक जो है वो लिख चुकी है। और साथ ही जो आत्मकथा लिखते हुए थोड़े उसी दौर पे जो है इमली की बीज खाते हुए उनके गले में अटक गई थी और उन्हें हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम थी वो हुई थी। और बीते 20 दिनों से वो रायपुर के नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती थे, इस दौरान फिर उनकी इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। जी सुप्रिया, अब अंतिम संस्कार को कितना समय और बाकी रह गया है?
अंतिम संस्कार की अगर हम बात करें तो गौरेला में ये 11 बजे तक पहुंचे जाने की खबर थी, लेकिन उनसे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि अभी जो है अजीत जोगी की जो अंतिम यात्रा है वो अभी कुछ देर पहले ही गौरेला के लिए रवाना हुई है, तो जो समय है वो अभी लग सकता है। और उनकी अंतिम यात्रा में पूर्व मंत्री जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल होंगे, और ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि सीएम बघेल भी उनकी अंतिम यात्रा में गौरेला में शामिल हो सकते हैं। और गौरेला की जो सभी दुकानें हैं वो अजीत जोगी के सम्मान में जो है बंद कर दी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि शनिवार को जो लॉकडाउन था वो अभी उसे खत्म कर दिया गया है, अब शनिवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा, लेकिन गौरेला में जो है सभी तमाम दुकानें जो है वो बंद कर दी गई है और पूर्णतः जो लॉकडाउन है वो किया गया है। क्योंकि एक तरह से अगर शव की अंतिम यात्रा निकलेगी तो वैसे भी जन साल उम्र पड़ेगा, तो इसका ध्यान में रखते हुए गौरेला के जो तमाम दुकान है वो भी बंद कर दिए गए हैं। जी जी, सुप्रिया, पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह का विशेष इंतजाम वहां पर किया गया था, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उनके अंतिम दर्शन किए जाएं, और साथ ही उनके परिवार की तरफ से भी अपील की गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। जी, जोगी जी के अंतिम यात्रा में तो पुलिस के जवान भी काफी संख्या में मौजूद थे और बराबर उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का जो ध्यान है वो लोगों को रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है या फिर अंतिम दर्शन का कार्यक्रम है उसमें लोगों को ये ध्यान नहीं रहता कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए या फिर और कुछ करे, तो इस तरह से जो पुलिस है वो भी भारी संख्या में मौजूद है और तमाम जो लोग हैं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की जो हिदायत है वो बार बार दी जा रही है। साथ ही अजीत जोगी के जितने भी परिवार के लोग हैं वो भी सभी से ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो इस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। जी जी, चलिए सुप्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।